खोंसरा आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक की शाखा खोंसरा के द्वारा छत्तीसगढ़ी नाचा के माध्यम से ऑनलाइन ठगी एवं लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के बारे में ग्रामीणों के बीच जाकर जागरूक किया जा रहा है एवं बैंक से मिलने वाले लाभ के बारे में ग्रामीणों को बताया जा रहा है, जिससे आम आदमी को बैंक से अधिक लाभ मिल सके और बैंक एवं ग्रामीणों के बीच बढ़िया संवाद बन सके। प्रमुख रूप से जानकारी देते हुए खोंसरा ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन लेन देन, एटीएम आधार से लेन देन, गोल्ड लोन के बारे में जानकारी दी गई। वहीं शाखा प्रबंधक लीलांजन नंदी के द्वारा ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया गया कि बैंक कभी भी किसी प्रकार का ओटीपी कभी नहीं मांगता। ये सब साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोगों का काम रहता है, इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी या कोई भी बैंक से संबंधित जानकारी न दे। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो सीधे अपने नजदीकी शाखा में संपर्क करें। जो आप लोगों ने कार्यक्रम किए हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के संदर्भ में, ये एक्चुअली लोगों में अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने के लिए था। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो बैंक के साथ जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, उनको बैंक के परव्यू में लाने के लिए, उनको बैंक की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये हम करते हैं, ताकि लोग और उत्साहित हो बैंक में आने के लिए, बैंक की सुविधा लेने के लिए। जो सरकारी सुविधाएं है, जैसे आपका जीवन बीमा हो गया, KCC हो गया, PMSBY हो गया, PMJJY हो गया, सारे जो अटल पेंशन हो गया, जो भी सारे सरकारी योजनाएं हैं, ये सब की सुविधा लेने के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को नॉलेज हो कि ये सब होते हैं, बैंक में आए, बैंक से जुड़े, क्योंकि ये सब चीजें सारे पब्लिक के, जनरल पब्लिक के लिए ही बनाया गया है। लोग अगर इसके सुविधा नहीं लेंगे तो ये जो प्रोग्राम है टोटल सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो मेरा मतलब कराने का मेन मकसद यही है कि लोग बैंक से बैंक आए, बैंक को जाने, बैंक में बैंक के साथ जुड़े और उनकी सुविधा जो है, जो कि मिल रहा है, उनका उपयोग करें। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम निलंजन नंदी, ये ग्रामीण बैंक खोंसरा में। समय न्यूज के लिए खोंसरा से मजीद अहमद की रिपोर्ट।